वहीं अब हम बात करते हैं भाटापारा जिले की, जहां पर कोलकाता में हुए इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ऐसा ही मामला हमें भाटापारा में देखने को मिला, जिसके विरोध स्वरूप भाटापारा सीएससी समेत निजी अस्पतालों के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने कैंडल मार्च निकालकर नगर के जयस्तन चौक में विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। वहीं विरोध के तौर पर स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी की सेवाएं बंद रहीं, जिसका असर दूर दराज से इलाज कराने के लिए पहुंचे हुए मरीजों पर पड़ा। अगर हॉस्पिटल और ऐसी जगह में ही अगर डॉक्टर सेफ नहीं है, जहाँ पे हत्याएं हो सकती है, तो डॉक्टर अपना जो 100% है कैसे देंगे उस जगह में, जहाँ पे उनकी खुद की सेफ्टी का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो हम पहली चीज़ तो उस हत्या के सही जांच के लिए हम यहाँ पे इकट्ठित हुए हैं, और ये भी चाहते हैं कि डॉक्टरों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक अच्छा सा कानून लाया जाए, ताकि लोगों के मन में डर हो, अगर कुछ डॉक्टर के प्रति किया जाए तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जैसा कि ये कलकत्ता की जो घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। एक डॉक्टर जो पल्मोनोलॉजी में काम कर रही थी, जिनकी सांसें रुकती है, ऐसे पेशेंट्स को बचाने के लिए गई थी, और वो अपने को बहुत महफूज सुरक्षित समझ रही थी कि यहाँ आके मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। उस ड्यूटी पे डॉक्टर से जिस तरह से बर्बरता की गई, हत्या की गई, उसके बाद 15 अगस्त की रात जब उनको लगा कि सीबीआई एक्शन में आ रही है, तो सारे सबूत मिटाने का काम किया गया है, इस सबकी हम निंदा करते हैं। इस प्रकार की जो दुष्कर्म होना और बहुत ही रद्दी तरीके से उनकी जो हत्या करना, तो समाज में किसी भी महिला के साथ ऐसा होता है तो ये हमारी व्यवस्था को इसको जो है कुछ चेंजेस होने चाहिए, और हमारी व्यवस्था को सोचने के लिए मजबूर करेगी। अगर हमारी व्यवस्था ठीक नहीं रहती